सो तो गाइज, आज का मौसम जो है बहुत ज़्यादा सुहाना है और हम निकल पड़े हैं सैर के लिए। समय जो है दादी के पास है। तो ये देखिए मौसम, हल्के हल्के बादल है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सुहाना मौसम का लुत्फ़ लेते हुए। और सामने से गाड़ी आती है तो अभी हम निकल पड़े हैं टहलने के लिए। जस्ट हमने लंच वगैरह किया तो फटाफट बर्तन वगैरह धो के हमने कहा चलो घूमने चलते हैं, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। कल जो है बारिश वगैरह हुई यहाँ तो नहीं, बस लगता है यहाँ भी बारिश हो जाएगी शायद रात तक तो मौसम दोबारा ठंडा हो जाएगा। तो गाइस ये देखिए आप मौसम, मौसम का लुत्फ लीजिए वीडियो के थ्रू। सो गाइस हम लोग जो है मतलब वहाँ से नीचे आए मार्केट घूम के, अब हम जा रहे हैं नीचे गधेरे। गधेरे है यहाँ पे, आगे पे जो है धारा है, वहाँ पे जो है अच्छा है बैठने के लिए। तो गुरुजी ने कहा आज वहीं पे बैठते हैं थोड़ी देर पैरों को भिगोने के लिए, मतलब थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा ना पैरों को भी, बहुत घूम गए इधर उधर। बुटला जी जो है फुल मस्ती के मूड में है क्योंकि उत्तराखंड आके जो है फुल मस्ती होती है तो हम लोग भी जा रहे हैं वहाँ पे और आपको दिखाते हैं नीचे का नज़ारा, तो बने रहेगा मेरे साथ वॉचिंग। तो बुटल जो है फुल तैयार हो चुके हैं पजामा बटोर के। धूप आ रही मुँह पे यार, तो गाइस यहाँ पे जो एक छोटा सा मतलब ये पाइप लगाया है, मतलब धारे से मान लो कल कल धारा बहता हुआ पानी, शुद्ध पानी, कल कल बहती हुई नदी, छोटी नदी। सो तो गाइज अब हम जो है हमने जो है यहाँ पे पैर वैर अच्छे धो लिए हैं, मज़ा आ गया ठंडे पानी पैर डाल के। अब हम यहाँ से जा रहे हैं बाजार दोबारा से, सोमे के लिए कुछ लेके जाते हैं चिप्स वगैरह। उफ़ क्या काम आ गया। फिर पैर मिट्टी मिट्टी सुनेंगे हमारे दोबारा से, इधर से रास्ता। अच्छा ये है तो इधर से ही आते हूँ, इधर से क्यों आए। सो तो गाइज आज हम जा रहे हैं श्रीनगर और हमारे साथ जो है सासी भी जा रही हैं, तो चार दिन यहाँ पे रहे हम गांव में और इसके बाद जाएंगे हम श्रीनगर। श्रीनगर से पहले मैं जाऊँगी जेठ जी लोग यहाँ पे, देन उसके बाद जाऊँगी मायके और आगे का जो भी सफ़र होगा आपके साथ शेयर होता रहेगा। सो गाइज अब मेरे चैनल को जो है ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहेगा, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।
सो तो गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। थैला अभी थैला भी निकल रहा है, थैला लेने वाला है। चला